गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओप्पो F9 प्रो के साथ कंपैरिजन करेंगे ओप्पो का इस ब्रांड रियलमी 2। हालांकि यहां पे रियलमी स्मार्टफोन अब ओप्पो से अलग हो चुका है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन की फुल डिटेल कंपैरिजन और दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन में आपको बेस्ट फीचर मिलेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में रियलमी 2 की लीक्स के हिसाब से और दोस्तों ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन जानेंगे ओप्पो F9 प्रो की। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, देखने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए Tech42 चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ कंपैरिजन बिटवीन ओप्पो F9 प्रो वर्सेस रियलमी 2। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन के बारे में बात की जाए तो ओप्पो F9 प्रो एंड दोस्तों रियलमी 2 में भी आपको इस बार नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन होगा फ्रंट में, जो डिस्प्ले होगा 6.3 इंच की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स में ही आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैशलाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको फ्रंट एंड बैक साइड में ग्लास बॉडी डिज़ाइन मिलेगा और दोस्तों रियलमी 2 में आपको ग्लास बॉडी के जैसे ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा। बहुत ही शाइनी डिज़ाइन के साथ रियलमी 2 दिखने को मिल जाएगा। इस बार रियलमी 2 में आपको नॉच एंड दोस्तों डुअल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और दोस्तों ओप्पो F9 प्रो का जो नॉच होगा काफ़ी छोटा सा नॉच होगा, वी शेप का एक अलग सेटअप, नॉच सेटअप दिखने को मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में। गाइस यहाँ पे दोनों फोन्स की रैम रोम चिपसेट के बारे में बात की जाए तो ओप्पो F9 प्रो में आपको मीडियाटेक हीलियो P60 के साथ 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 6GB विद 128GB इंटरनल मेमोरी दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लीक्स के हिसाब से रियलमी 2 में आपको सेम चिपसेट मीडियाटेक हीलियो P60 के साथ 6GB विद 64GB इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 8GB विद 128GB इंटरनल मेमोरी दिखने को मिल जाएगा रियलमी 2 में। ऐसे यहाँ पे दोनों फोन्स में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा बैक साइड में, 16+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा ओप्पो F9 प्रो में और दोस्तों फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन AI पावर फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में। दोस्तों यहाँ पे रियलमी 2 में आपको मिल जाएगा 13+8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और दोस्तों फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। दोनों फोन्स में ही आपको काफ़ी सारे AR स्टिकर, AI फीचर कैमरा और दोस्तों बहुत सारा मोड्स भी दिखने को मिल जाएगा कैमरे के ऊपर। ऐसे यहाँ पे दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में बात की जाए तो ओप्पो F9 प्रो में आपको 3500mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाएगा विद VOOC फर्स्ट चार्जिंग। 5 मिनट चार्ज करने पे आपको पूरा 2 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में VOOC फर्स्ट चार्जिंग के साथ। दोस्तों यहाँ पे लीक्स के हिसाब से रियलमी 2 में आपको 3400mAh और दोस्तों हो सकता है 3600mAh की बैटरी मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस आईडी की सिक्योरिटी मिल जाएगा। दोनों फोन्स की फाइनली प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो एंड दोस्तों रियलमी 2 दोनों फोन्स अगस्त के बीच में दिखने को मिल जाएगा इंडिया में और दोस्तों ओप्पो F9 प्रो लॉन्च होगा 15 अगस्त 2018। इस फोन की जो प्राइस होगा 27,999 में आपको ओप्पो F9 प्रो दिखने को मिल जाएगा और दोस्तों रियलमी 2 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में इंडिया में दिखने को मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो। सो गाइस यहाँ पे रियलमी 2 एंड दोस्तों ओप्पो F9 प्रो के बारे में यही थी। मेरे हिसाब से रियलमी 2 स्मार्टफोन बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च होगा और दोस्तों इस फोन की जो स्पेसिफिकेशन होगा काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ बेस्ट बजट स्मार्टफोन होगा। रियलमी 1 स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा था प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन दोस्तों रियलमी 1 में आपको जो कुछ नहीं मिला था इस बार रियलमी 2 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नॉच डिस्प्ले, डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और दोस्तों ओप्पो F9 प्रो, इस फोन में आपको जो नॉच मिलेगा काफ़ी इनोवेटिव नॉच होगा, बहुत ही छोटा सा और दोस्तों वी शेप का सिर्फ आपको यहाँ पे कैमरा दिखने को मिल जाएगा नॉच के अंदर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और दोस्तों कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।